बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 दिसंबर बरोज़ बुध को पाकिस्तान इंडिया समेत 6 ममालिक के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नाज़रीन, फ़्लाइट्स खुलने की वजह से जहां हमारे बहुत से भाई खुश हैं, तो 1 दिसंबर को फ़्लाइट्स खुलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो कि हमें भी सवाल करके पूछ रहे हैं कि जिनके 30 नवंबर को अकामे और खुरूज-ए-उहदा वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, तो क्या उन्हें पहले की तरह फिर से सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में एक्सटेंशन दी जाएगी या नहीं। इसके अलावा एक हमारे भाई का कहना है कि मेरे दोस्त ने बताया है कि सऊदी गवर्नमेंट ने फिर से तमाम गैर मुल्कियों के अकामे और एग्ज़ री एंट्री वीज़ा में 30 दिसंबर तक फ्री में एक्सटेंशन दे दी है। क्या ये न्यूज़ सच है? प्लीज़ सिस्टर कन्फर्म करके बताएँ। तो नाज़रीन, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक अकामे और छुट्टी एक्सटेंड होने की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई है कि खुरूज-ए-उहदा को फ्री में 1 माह के लिए एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं। इसके हवाले से लोग सऊदी जवाज़ा से सवाल कर रहे हैं कि खुरूज-ए-उहदा यानी एग्ज़री एंट्री वीज़ा दोबारा से एक्सटेंड होगा कि नहीं। तो नाज़रीन, इसके मुतलिक सऊदी जवाज़ात ने एक ट्वीट का जवाब दिया है, मगर ये सऊदी गवर्नमेंट का ऐलान नहीं है। सबसे पहले नाज़रीन, आपने 30 नवंबर या 1 दिसंबर तक इंतज़ार करना है कि खुरूज-ए-उहदा ऑटोमेटिक सिस्टम से एक्सटेंड नहीं हुए या फिर एक्सटेंशन का सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान नहीं हुआ, तो फिर आपने अपने कफील या कंपनी से रابطہ करना है ताकि वो आपका एग्ज़री इंट्री वीज़ा एक्सटेंड कर सके। नाज़रीन, जिनको जल्दी है तो वो भाई इंतज़ार किए बिना अपने कंपनी और कफील से رابطہ करें और 100 रियाल से एग्ज़री इंट्री वीज़ा 1 माह के लिए एक्सटेंड करवाएँ। नाज़रीन, ये जवाज़ात ने एक ट्वीट के जवाब में कहा है कि जिनके खुरूज-ए-उहदा 30 नवंबर को एक्सपायर हो रहे हैं, वो अपनी कंपनी या कफील से रابطہ करें, क्योंकि अभी पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के शहरियों के लिए खादिमुल हरमैन शरीफैन की तरफ से कोई एक्सटेंशन का हुक्म सादर नहीं हुआ। तो नाज़रीन, आपके पास एक दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर सऊदी गवर्नमेंट आपके अकामा और एग्ज़री इंट्री वीज़ा को फ्री में एक्सटेंड नहीं करती, तो आप अपने कफील या कंपनी से 3 माह वाला अकामा और 1 माह की छुट्टी एक्सटेंड करवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब अफसर अकाउंट में 3 माह वाला, 6 माह, 9 माह और 1 साल वाला अकामा एक्सटेंड करने वाला ऑप्शन आ गया है। तो नाज़रीन, खुरूज-ए-उहदा को एक्सटेंड करवाने के लिए ये शर्त है कि आपका एग्ज़री इंट्री वीज़ा को एक्सपायर हुए 60 दिन ना गुजरे हों और आपके अकामे का वैलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, ये हमने आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और नाज़रीन, अकामे और एग्ज़री एंट्री वीज़ा में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंशन मिलेगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।